अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सबा फूड चैनल। व्यूवर्स, आज हम आपके साथ जो अपनी नई रेसिपी शेयर करेंगे उसका नाम है वाइट छोले का सालन या सफ़ेद चने का सालन, कुछ भी आप कह लें। और हम ये रेसिपी बहुत ही यूनिक और डिफरेंट स्टाइल से चने बनाएंगे। आप इस मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा इसका मेथड समझ में आ जाए। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सबा फूड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आए हम आपके साथ स्टार्ट करते हैं। प्याज हमने इसके लिए ली है 2 बड़ी साइज़ की प्याज, उसको हमने इस तरीके से स्लाइसेस में काट लिया। और हमने 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया है और उसको क्यूब्स में काट लिया। दही हमने ली है 4 बड़े चम्मच दही के, टेबलस्पून 4 टेबलस्पून दही है। और 1 टीस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, दोनों चीज़ें मिला के लहसुन अदरक दोनों का पेस्ट हमने 1 टीस्पून भर के लिया है। और ड्राई मसालों में हमने हल्दी पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ही हमने सूखा धनिया पिसा हुआ क्रश किया हुआ और उसको हमने हल्का सा पीस भी लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। और लाल मिर्च पाउडर हमने लिया है 1 टीस्पून। गरम मसाला हमारे पास यहाँ पे सारा है, जिसमें दालचीनी, लौंग, इलायची, ज़ीरा, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची नहीं, बड़ी इलायची, ये सब चीज़ें, खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, कुछ भी अलग अलग होता है, यहाँ हमने खाने का सोडा आप इस्तेमाल करें जो हम छोलों में लगाएंगे। अगर 2 से 3 हमने हरी मिर्चें ली हैं, ये हमारे पास 1 टीस्पून है खाने का सोडा। और चने हमने लिए हैं, चने हैं हमारे पास ये 1 पाव के करीब या 250 ग्राम। 250 ग्राम जितने हमारे छोले हैं जिसे हमने रात भर से भिगो दिया हुआ था। 2 से 3 बार हमने इसका पानी ड्रेन किया, इसको अच्छे से वॉश किया। अब हम इसके अंदर ये अपना खाने का सोडा लगा के इसको आधे घंटे के लिए एक तरफ रख देंगे और साथ हम इसका मसाला पहले बनाएंगे। मसाले में आप देखिएगा कि मैं किस तरीके से बनाऊंगी, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं इसमें ये खाने का सोडा लगा के छोलों में इसको एक तरफ रख देती हूँ। आधे घंटे के लिए हमने इसमें लगाया है ये खाने का सोडा। फिर हम इसको वॉश करेंगे और चने हम अलग से बॉईल करेंगे और हम इसका मसाला अलग से प्रिपेयर करेंगे। अच्छे से इसको चने को मिक्स करें, धो लिया था हमने चनों को, छोलों को अच्छे से, और हम इसके अंदर सोडा लगा के इसको आधे घंटे के लिए एक तरफ रख देंगे। वक्फे वक्फे से हम 1 या 2 बार इसमें ऐसा चम्मच चला के मिक्स कर लेंगे आधे घंटे के दौरान, और हम इसको एक तरफ रखते हैं। आए हम अपना मसाला तैयार करते हैं जी। अब ये देखें, एक पतीली में मैंने 3/4 कप मैंने लिया है ऑयल। ऑयल को मैंने बहुत अच्छे से गर्म किया है और अब इसमें मैं ये अपनी जो प्याज मैंने स्लाइसेस में काटी थी इसको मैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन करूँगी। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, बस अच्छा सा इसको फ्राई करना है और फिर मैं इसको निकाल लूँगी। और फिर हम इसको अपनी फ्राई की हुई प्याज को दही के साथ ग्राइंड करेंगे और टमाटर भी हम ग्राइंड करेंगे, टमाटर भी हम ग्राइंड करके डालेंगे। और प्याज हमारी जब ये फ्राई हो जाएगी तो हम इसको दही निकाल के ठंडा करके थोड़ा सा इसको फिर हम दही के साथ ग्राइंड कर लेंगे जी। अब हमारी ये मैंने प्याज फ्राई कर ली और मैंने इसे फ्राई करके निकाल लिया है। अब ये दही जो हमने 4 बड़े चम्मच दही लिया था इसे मैं ब्लेंडर में डाल रही हूँ और इसके साथ ही मैं ये प्याज भी डाल के इसको अच्छे से फ्राई ब्लेंड कर लूँगी दोनों को, जो हमने प्याज अच्छे से फ्राई करी है। हल्का सा इसको कलर दिया है, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा काला कर देंगे तो आपका फिर सालन जो है वो बहुत ज़्यादा रेडिश कलर देगा, मगर यहाँ हमने बिल्कुल इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। और अब मैं इसको प्याज को और दही को ब्लेंड कर रही हूँ और साथ ही जो हमने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था मैं इसको भी ब्लेंड करूँगी और फिर इसके बाद हम इसकी अच्छी सी ग्रेवी बनाएंगे। अब हमने टमाटर भी ग्राइंड कर लिया अपना और हमने दही और प्याज जो हमने फ्राई करी थी दोनों को मिला के उसे भी हमने ग्राइंड कर लिया है। अब मैंने जिस पतीली में ऑयल गरम किया था जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया था उसी में मैं अब ये सबसे पहले सिर्फ सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ और कोई सा भी गरम मसाला नहीं, सिर्फ सफ़ेद ज़ीरा। और सफ़ेद ज़ीरा जैसे ही हमारा लाल होगा मैं इसके अंदर सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने इसमें शामिल कर दिया।
जैसे ही हमारा लहसुन थोड़ा सा लाल हुआ, मैं इसके अंदर सबसे पहले पिसे हुए टमाटर शामिल करेंगे। पिसा हुआ टमाटर, एक बड़े साइज का टमाटर हमने लिया और उसे मैंने अच्छे से पीस लिया। ये हमारा लहसुन लाल हो गया, मैं इसके अंदर ये पिसा हुआ एक टमाटर जो था वो शामिल करूँगा। पिसा हुआ टमाटर शामिल करने के बाद मैं इसको 2 से 3 मिनट पकाऊंगी ताकि थोड़ा सा टमाटर का हमारा कच्चापन दूर हो जाए। फिर मैं इसके अंदर बाकी मसाले और वो जो हमने दही और प्याज ग्राइंड करके रखी वो भी शामिल करेंगे। चनों में मैंने 1 से 2 बार मैं चम्मच चला चुकी हूँ ताकि उनका सोडा अच्छे से सब चनों में मिक्स हो जाए। फिर मैं आपको उसको हम धोएंगे, वॉश करेंगे, चनों को हम अलग बॉयल करेंगे और ये मसाला हम अलग तैयार कर रहे हैं। टमाटो को पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से पक गया है। अब मैं इसके अंदर ये दही और किसी हुई प्याज का जो हमने मटर बनाया था ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने इसको शामिल किया। शामिल करके मैं इसको भी 4 से 5 मिनट अच्छे से पका लें। उसके बाद मैं इसके अंदर ये सारे ड्राई मसाले शामिल कर रही हूँ। अब हमारे इस मसाले को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत ज़बरदस्ती इसमें से अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब मैं इसके अंदर ये सारे ड्राई मसाले जिनमें नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और जो मैंने बाकी गरम मसाला इसमें शामिल नहीं किया था वो सब अब मैं गरम मसाला इस स्टेज पे इसमें शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब इसमें शामिल किया और अब इसमें 2 से 3 बार इसमें चम्मच चला के इसको अच्छा सा भूना और मैं इसमें पानी शामिल करके इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि हमारा मसाला बहुत अच्छे से पक जाए। इसका प्याज का, दही का और टमाटर का कच्चापन, प्याज तो हम ऑलरेडी फ्राई कर चुके थे और इसमें टमाटर का और दही बहुत अच्छे से पक जाए, बहुत प्यारी सी इसकी स्मेल आएगी। फिर और चने छोले जो मैंने भिगोए सोडा लगा के रखे थे उसको तकरीबन आधा घंटा हो गया है। अब मैं उन छोलों को इसको अच्छे से मैं वॉश करूँगी, 3 से 4 बार इसको अच्छे से ड्रेन करके फिर मैं इसके अंदर 2 प्याली पानी डाल के इसको बॉईल होने के लिए रखूँगी। चुटकी भर आप पिंच ऑफ सॉल्ट आप इसमें ज़रूर ऐड करें चनों को बॉईल करते हुए और इसको अच्छे से 3 से 4 बार ज़रूर धोइए। और मैं इसको बॉईल करने के लिए रखूँगी। एक तरफ हमारी ग्रेवी बन रही है, दूसरी तरफ हमारा हमारे छोले बॉईल हो जाएंगे। अब ये देखिए मसाला जो मैंने पकने के लिए 1 प्याली पानी डाल के पकने के लिए छोड़ा था बहुत अच्छे से भुन गया है और मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर से महक आ रही है, खुशबू आ रही है मसाले की और ये सब हमारा मसाला रेडी है। अब हम इसके अंदर हमने जो चने बॉईल किए थे अलग से वो भी हमारे चने बिल्कुल तैयार हैं। बहुत अच्छे से देखें आप, सॉफ्ट हो गए हैं इस तरीके से। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे ये चने सॉफ्ट हो चुके हैं। आप इस तरीके से चने बॉईल करें जैसे मैंने आपको बताया है, 8 से 6 घंटे आप अपने चनों को भिगो दें अच्छे से। जितने ज़्यादा चने भिगोए होंगे पानी में सोक्ड होंगे उतने ही अच्छे बनेंगे और फिर आप उनको उसका पानी ड्रेन करके 1-2 बार चनों को वॉश करके उसमें मैंने 1 टीस्पून खाने का सोडा मिला के उसको आधे घंटे के लिए रखा। फिर उसको अच्छे से 2 से 3 पानी में धो के उसको मैंने 1 से 1.5 कप प्याली पानी डाल के बॉयल किया और ये ज़बरदस्त से हमारे चने बॉयल हो चुके हैं। अब मैंने इसे मसालों में शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 1 पाव हमारे चने थे, 250 ग्राम। अगर आप इसे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप फिर अपने सारे मसाले भी अपने हिसाब से उसमें क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ मैंने मसाले में चने शामिल कर दिए। चने शामिल करके बाद मैं इसमें बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाऊँगी, मैं इसको 1-2 मिनट पका के इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि हमें जितनी ग्रेवी चाहिए इसमें, या आप अगर चावल के साथ खाना चाहते हैं तो आप इसका शोरबा थोड़ा सा सालन पतला भी कर सकते हैं, या अगर आप रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो आप इसका शोरबा गाढ़ा रखिए। यहाँ मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, 1 से 2 बार इसको जोश आएंगे तो मैं इसको निकाल लूँगी और इसको हम धनिए से और हरी मिर्चों से गार्निश करेंगे। जी, अब हमने अपना ये सालन हमारा रेडी हो गया चने का।
उसे हमने डिश में निकाल दिया है। इसके साथ मैंने कचूमर सलाद बनाया है, आप इसे ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिए। बहुत ही यूनिक और डिफरेंट तरीके से मैंने ये छोले का सालन बनाया है, वाइट छोले का, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी ये रेसिपी, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सबा फूड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।